हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जूही और हम आज आपके साथ एक टेस्टी सा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आज हम बनाते हैं सोइजन का सब्जी। इसे सोइजन बोला जाता है। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये कट कट के ही आया था और मेरे हस्बैंड गाना गा रहे हैं। और इसे सोइजन बोला जाता है और मैथिली में इसे मुनगा भी बोला जाता है। मुनगा और सोइजन भी बोला जाता है। आप लोग इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं मैं बोल दी। और इसे ड्रम स्टिक भी बोला जाता है। पहले मैं इसे फ्राई कर लूंगी अच्छे से। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में डाल के इसका सब्जी काफी टेस्टी लगता है और ये जूस से डल से बनाया भी जाता है। तो कल मेरे सर में बहुत हेडक हो रहा था तो मैं कल नहीं बना पाई, तो मैं सोची आज बना देती हूँ। मेरा ये रियान से यहाँ पे इतना चिल्ला रहा है ना, पता नहीं। हाँ, पापा के साथ खेल रहा है, पता नहीं इतना एनर्जी कहाँ से आता है उसकी। इस तरह से इसे फ्राई कर लेना अच्छे से, ब्राउन ब्राउन फ्राई कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा फ्राई हो चुका है। हम इसे निकाल के हल्का हल्का फ्राई कर देना है ताकि इसका ग्रीननेस जो है कच्चापन वो दूर हो जाए। ड्रमस्टिक मैं कुछ इस तरह से इसे फ्राई कर ली हूँ। आपको भी इस तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे सारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी फ़ौरन, मैं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये पचफोरन। फिर मैं एक तेज पत्ता डालूंगी और मैं यहाँ पे डालूंगी एक सूखी मिर्च। इसे थोड़ा कड़कने देंगे और मैं थोड़ा सा डालूंगी हींग। और ये रेयांस अपना गाना गा रहा है, पता नहीं कौन सा गाना गा रहा है। उसका गाना किसी को समझ में नहीं आता लेकिन वो बेचारा गाते रहता है, कोशिश करता है। कोशिश करने वालों की जीत होती है। ये मेरा थोड़ा सा कड़क गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन जो मैं क्रश करके रखी थी। मैं ब्राउन कर लूंगी, लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। फिर ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज जो मैं कट करके रखी थी। फ्राई कर लेना है, प्याज को गला लेना है थोड़ा सा। अब फिर मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपको दे देना है, जैसे आप कम ज़्यादा खाते हो। मैं टेस्ट अब समझ नमक डाल देती हूँ। तो थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। मेरा थोड़ा सा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। इसको मैं पीसेस में कट कर दूँ। आलू के साथ मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी प्याज को और आलू को भी। कल पता नहीं इतना मुझे हेडेक होने लगा था कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा था, अचानक से शुरू हो गया था। बना लेती हूँ। मैं इसमें एक बड़ा सा टमाटर काट के रखी थी वो मैं डाल दूंगी। इसमें
थोड़ा सा इसे भी फ्राई करूंगी। ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें मैं मसाला डालूंगी। मैं 1 टेबल स्पून हल्दी लूंगी और यहाँ मैं मिर्ची लूंगी 1 टेबल स्पून। मैं गरम मसाला देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, पापा के साथ झांक रहा है। मैं धनिया ले लूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून। क्या फ्राई कर दो? एक हटा दो, मेरे हस्बैंड मुझे आवाज लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो येलो मस्टर्ड होता है ना, सरसों, मैं वो यूज इसमें डालूंगी। ये तो इसका मेन है, ये देने से इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। फ्राई कर लूंगी थोड़ी अच्छे से। ये आप देख सकते हो सरसों डालने से कितना अच्छा हो गया। ये सरसों के बिना तो मुझे लगता है कि अधूरा है। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी, थोड़ा सा इसमें वाटर डालूंगी और देन मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्रम स्टिक, सॉरी जन। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सोईजन जो मैं फ्राई करके रखी थी, वो मैं डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ा सा ये सोक करे अपने अंदर और इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए भर के। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे थोड़ा देर के लिए इसे भी फ्राई करूंगी ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए। मैं थोड़ा देर के लिए इसे ढक दूँ, ढक देती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर देखती हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा फ्राई हो चुका है अच्छे से। मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी डालूंगी और मैं थोड़ा सा खोला के इसे उतार लूंगी। उसका आवाज सुन रहे होंगे, मैं एनर्जी अभी इसमें भरा हुआ। मैं इसमें ज्यादा ग्रेवी नहीं रखूंगी, मैं बस अभी डाली हूँ, फिर मैं इसे थोड़ा सा खोलाऊंगी तो थोड़ा ग्रेवी कम हो जाएगा तब मैं उतार लूंगी इसे, क्योंकि मुझे ज्यादा ग्रेवी वाला सब्जी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सूखा सूखा सब्जी पसंद है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये थोड़ा खोलेगा फिर मैं इसे उतार लूंगी। और आपको ध्यान देना है कि बीच बीच में इसे चलाना है वरना ये जल जाएगा। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलने देते हैं। ये हमारा बनके रेडी है सब्जी, देख सकते हो। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, इसे बंद कर दी। ये मेरा बन गया, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप भी इसे जरूर ट्राई करना, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसे आप दाल में भी डाल के बना सकते हो, बस दाल में इसे डाल दिए और सिटी लगा के जैसे दाल बनाते हो वैसे भी आप बना सकते हो ये। और ये फायदा भी बहुत करता है, पेट को ठंडा बहुत करता है। ओके, फिर आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।